रूपा जी, वीट को लेकर बात करें तो गेहूं में क्या लगता है, क्या गेहूं में अभी जो प्राइसेस हैं वो करंट वाले ही आगे भी बनी रहेंगे, जिस हिसाब से अभी तक सरकार ने जितने भी फैसले लिए हैं और बाकी देशों की तरफ से जितनी भी डिमांड आ रही है उसको देखते हुए? देखिए, वीट में तेजी का ही रुझान है, हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट के बाद भी प्राइसेस जो है ऊपरी स्तर, एक्सपोर्ट बैन होने के बाद भी प्राइसेस जो है वो ऊपरी स्तरों पर सस्टेन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रेशर नहीं है, लगातार प्राइसेस के अंदर जो है सस्टेनेबिलिटी आ रही है और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा दबाव बनता हुआ दिखाई देगा। मार्केट में एक बार फिर से उठाव आता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि देखिए जो डिमांड है वो आगे से फिर निकलती हुई दिखाई दे सकती है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि एक्सपोर्ट को कुछ टाइम के लिए क्या अब तक हो सकता है कि गवर्नमेंट खोल दे, क्योंकि जिस तरीके से पोर्ट के ऊपर काफी ज्यादा माल अटका हुआ है, हो सकता है उतने माल के लिए तो एक्सपोर्ट की मंजूरी मिल जाए तो फिर एक बार प्राइसेस में बूचअप आता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, जिस हिसाब से भारत में गेहूं का प्रोडक्शन होता है, हालांकि इस बार पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम बताया जा रहा है, लेकिन रूपा जी देखने वाली बात यह है कि भारत अनाजों में, खासकर कि गेहूं में, हमेशा प्रोडक्शन में सरप्लस ही रहा है और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी भारत का अच्छा खासा है, तो ऐसे में अगर भारत एक्सपोर्ट खोल देता है तो क्या गेहूं में फिर से अच्छी तेजी आएगी? देखिए, साइकोलॉजिकल एक तेजी बनती है जब एक्सपोर्ट खुलते हैं और डिमांड पिकअप होती है तो डेफिनेटली एक तेजी आती है। और जहां तक वीट के प्रोडक्शन की बात है, बिल्कुल 3% के आसपास जो है फॉल देखने को मिला है इस बार प्रोडक्शन में, और ये कोई बहुत ज्यादा जो है वो नहीं है कि कमी आई हो प्रोडक्शन में, ऐसा नहीं है, प्रोडक्शन अच्छा खासा है फिर भी और कैरी ओवर स्टॉक भी अच्छे खासे हैं, लेकिन उसके अवज में देखें तो डिमांड भी अच्छी खासी एक्सपोर्ट निकल सकती है। अगर एक्सपोर्ट खोल दिए जाते हैं तो एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप हो सकती है, लेकिन सरकार ने बैन लगा दिया है ताकि वीट की कीमतें यहाँ पर तेज ना हो, इस वजह से ये डिसीजन लिया गया है। और लेकिन हमारे पास तो अच्छा खासा यहाँ पर हमारे पास स्टॉक है और अगर चाहे तो गवर्नमेंट इसको एक्सपोर्ट कर सकती है।